नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। कोटा विधानसभा से काशी साहू को टिकट दिया है। इस पर साहू ने पार्टी को धन्यवाद देते हुए जीत का भरोसा दिलाया है। साहू ने उन पर भरोसा जताने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा मंत्री अमर अग्रवाल और जिला अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद जताया है। बता दें कि कोटा प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। बीजेपी ने एक बार फिर काशी साहू पर भरोसा जताते हुए दोबारा टिकट दिया है। बता दें कि साहू नगर पंचायत कोटा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं वे प्रदेश कृषक कल्याण परिषद के सदस्य भी हैं। ये है बीजेपी कांग्रेस की शक्ति। कोटा एक ऐसा विधानसभा है जहां भाजपा ने आज तक अपना परचम नहीं लहराया है। कोटा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व DSP विभोर सिंह, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से रुनु जोगी होंगी आमने सामने। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में काशी साहू कांग्रेस की रेणु जोगी से 5,089 मतों से हारे थे। वहीं इस बार कोटा विधानसभा से कांग्रेस ने रेणु जोगी को टिकट नहीं दी है, जिसके बाद जोगी ने कोटा विधानसभा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से अपना टिकट लिया है। अब तक कोटा सीट का रिकॉर्ड है कि यहां सिर्फ कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। भाजपा इस बार कोटा में कमल खिलाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। कोटा विधानसभा, जहां कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला कोटा विधानसभा, जहां पिछले बार काशीराम साहू जी रेणु जोगी के विरुद्ध लड़े थे, जहां उनको 5,089 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, वही इस बार भी विधानसभा सीट के लिए काशीराम साहू जी को भाजपा ने फिर इस बार मौका दिया है। तो आज हम बात करेंगे काशीराम साहू जी से कि इस बार जीत के लिए आपने क्या रणनीति और क्या तैयारी की है। साहू जी बताएंगे क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व और जो मुखिया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष है माननीय धरमलाल कौशिक जी, और हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी, सांसद माननीय लखनलाल साहू जी और पुन्नूलाल मोहले जी मंत्री, ये इन्होंने जनता के या हमारे कार्यकर्ताओं के एक आवाज़ को सुना कि अगले बार हम कुछ कारण पीछे रह गए थे, लेकिन अब इनको टिकट दो और हम जिता करके एक काशी साहू को यहाँ से विधायक बनाएंगे। इन्होंने अपना मांग किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और फिर मुझे प्रत्याशी बनाया। साहू जी, यही अभी फिलहाल कांग्रेस ने रेणु जोगी को टिकट नहीं दिया है, जहां माना जाता है रेणु जोगी का अच्छा जाना माना चेहरा और अच्छी वहां पकड़ बनाए हुए थे कोटा में, इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, कांग्रेस दो घड़े में बढ़ चुका है, आपके सामने की बात है, और वो कितना हद तक के कैसा मतलब वो कर रहे हैं पार्टी छोड़ने के बाद, रेणु जोगी जी ज़रूर कमज़ोर हुई हैं और उन्हीं के पार्टी से दो कैंडिडेट हैं, और मैं पूरे क्षेत्र में एक एक मतदाताओं से मिल रहा हूं और सबका एक कहना है, जिस टाइप के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक एक जन्म से मृत्यु तक के जो विकास काम कार्य कर रहे हैं, उसका हमको सीधा सीधा, जैसे किसानों के बारे में बोलूं तो किसान भाइयों के लिए जो बोनस धान खरीदी के साथ तुरंत बोनस, जितने भी कृषि औजार में बोनस वो कृषि औजार में भी बोनस दे रहे हैं, धान खरीदी में बोनस दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपको ये बता दूँ किसान भाइयों के लिए जो इनका शासन का जो मुफ्त में मतलब 0% ब्याज में जो इनको पैसा मिल रहा है, ये कभी 60 साल के कांग्रेस के सरकार में कभी ये नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री जी 15 साल के काम करें। दूसरी बात, आज कांग्रेस के ज़माने में कभी भी गरीबों को चावल खाने के लिए नहीं मिला, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए और जो चावल का जो व्यवस्था किया है वो बहुत ही सराहनीय है और आम जनता को उसका फायदा मिल रहा है। कोई भी एक आदमी आपको नहीं बोल सकता कि हम खंडा खाएं करके, आप कहीं भी चले जाइए चावल ही खाएं और चावल ही खा रहे हैं, एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि भूख से आदमी मर रहे हैं। साहू जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे
क्या है, जैसे आज से आजादी के आज तक कोटा विधानसभा जहां भाजपा ने अपना परचम नहीं लहरा पाया, तो ऐसा क्या कारण है जहां भाजपा जो हारते आई है, ऐसा क्या है? देखिए आपको बता दूं, सन 72 में हम लोग 74 वोट से हारे थे भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में फिर चुनाव हुआ तो भूपेंद्र सिंह जी थे, 572 वोट से हार गए। फिर हुआ 2600 से हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले, अगर आपको आंकड़ा बताऊं, 2013 में जब हम 5000 से पीछे रह गए थे और 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ तो हम 13000 से लीड किए लोकसभा में। उस समय सांसद प्रत्याशी लखनलाल साहू जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोई कारण बस हो गए पीछे रहे, या कार्यकर्ता हमारे काम नहीं कर पाए, मेहनत नहीं कर पाए। लेकिन सारे कार्यकर्ता अब जोश के साथ भिड़े हुए हैं और कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे, आपके फतह करेंगे। इस बार जहां रेणु जोगी नहीं है, उनको उनके उनको टिकट ना देने के बाद नया चेहरा जो है विभोर सिंह आए हैं, तो इसमें आप क्या रहेगा रणनीति और जीत के लिए क्या जनता तक क्या लेके जाएंगे आप? देखिए मेन मुद्दा तो है हमारा जो विकास, जो काम रुका हुआ है, हम जा करके लोगों के बीच में उपलब्ध कराएंगे। शासन का जो योजना है उसको आम जनता तक के हम पहुंचाएंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और आम जनता के बीच से हमको आशीर्वाद मिल रहा है इसका। जी, हम अभी कोटा भाजपा प्रत्याशी कांशीराम साहू जी से बात कर रहे थे, जो इस बार जीत का परचम लहराने की बात किए और आगे और रणनीति क्या रहेगी। हम आपको हमेशा अपडेट कराते रहेंगे। glips.in के लिए रमेश भट्ट, कोटा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।